प्रणाम के लिए कहा था, पर ना वहाँ क्रिश्चन आर नहीं है ना हीरो आर है, वो अपना वो साइक्लो स्टाइल उन्होंने किया है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ख़त्म। अगर इन्होंने स्टबल बर्निंग की बात की है, किसने बंद किया कि स्टबल बर्निंग ना करो, उसका कंपनसेशन ना दो, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारे पास जी 1500 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 500 दिल्ली देगी, उन्होंने पहले इनको यस किया था, कोई एग्रीमेंट हुआ था इनका, कोई इन राइटिंग किया, तो ऐसी बातें अपने घर बैठकर ही कहना कि इतने पैसे वहाँ से आ जाएंगे, पहले तो जो डायरेक्ट सोएंगे उसका तो एक पैसा नहीं आज तक दिया गया। तो ये बातें जुमलेबाजी की बातें करते हैं, ये लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों का जो ये कहते थे कि हम एक एक पाई का हिसाब रखेंगे, तो ये देखिए जी कैसे सेशन बुला लेते हैं। तो ये जो आज जो कॉन्फ्रेंस का सेशन है, ये लोगों का पैसा बर्बाद करने के लिए इन्होंने सेशन बुलाया है। अगर 100 करोड़ इनका एक कल MLA बोल रहा है, यार कितना झूठ बोल रहे हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि ये शायद BJP, क्योंकि कांग्रेस के सरकार तोड़ रही है, कहीं जहाँ भी कांग्रेसी है उनको उठा लेते हैं, तो हमने कहा कि ये बात हो सकती है, पर जब कल 100 करोड़ का, अब लगता है कि जो झूठ है और BJP की बी टीम बनकर ये काम कर रहे हैं। सरदार भगत सिंह जी इनके नहीं, पूरे हिंदुस्तान की वो शान थे, सभी का वो पूरा हिंदुस्तान उनको अपना आइडल मानता है, खास करके जो नौजवान है वो कहते हैं कि भगत सिंह बनना तो भगत सिंह बनो। अगर हम किसी को कहते हैं कि यार, अगर तेरे अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भगत सिंह जैसा बनो, उसने अपने माँ बाप का बहुत नाम ऊँचा किया था और पंजाब का नहीं, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का। हम अगर उनको, अगर इन आदमियों को देशभक्तों को बांटा जाए रीज़न वाइज कि वो पंजाबी है, वो अब चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं याद करता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन, वो बंगाली हैं के लिए नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की वो शान थे। अगर कोई आज फौज में हमारा जवान शहीद होता है, वो कल्ला एक गांव का नहीं पूरे हिंदुस्तान का शहीद है। लास्ट क्वेश्चन है जी, कल फिर आप जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे।